हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की टॉपिक में आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ। यहाँ पे कुछ शिक्षण विधियाँ हैं और उनके प्रतिपादक की एक लिस्ट मैंने तैयार करी है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगर आप टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन कुछ शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक की। तो सबसे पहली विधि है किंडरगार्टन विधि। तो इसके जो प्रतिपादक थे या जनक थे वो थे फ्रावेल, जो कि जर्मनी से थे। दूसरी है आपकी मॉन्टेसरी विधि, इसके प्रतिपादक का नाम था मारिया मॉन्टेसरी। तीसरी विधि है आपकी खेल विधि, खेल विधि के प्रतिपादक थे हेनरी कॉलवेल कुक, जो कि आपके ब्रिटेन से थे। चौथी विधि का नाम है आपका डाल्टन विधि। ये सारी विधियाँ हमारी शिक्षण में यूज होती हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक थे हेलन पार्क हस्ट, ये जो थे ब्रिटेन से थे आपके। छठवीं विधि है पर्यटन विधि, पर्यटन विधि के प्रतिपादक थे पेस्टोलॉजी, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। सातवीं विधि है आपकी खोज या अन्वेषण विधि, इसके प्रतिपादक का नाम था आर्मस्ट्रांग, जो कि ब्रिटेन से थे। आठवीं विधि है आपकी प्रश्नोत्तर विधि, इसके प्रतिपादक का नाम है सुकरात। नौवीं विधि है प्रश्नावली विधि, इस विधि के प्रतिपादक का नाम है वुडवर्थ। दसवीं विधि है आपकी प्रोजेक्ट विधि, इस विधि के प्रतिपादक थे आपके विलियम हेनरी किलपैट्रिक, ये यूएसए के थे। ग्यारहवीं विधि का नाम है आपका वैज्ञानिक विधि, इस विधि के प्रतिपादक है आपके गुडवर एंड स्केटस, गुडवर एवं स्केटस ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। बारहवीं है आपकी मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन विधि का जो प्रतिपादन किया था आपका जेएम राइस ने, ये यूएसए के थे। थर्टीन आपकी तेरहवीं विधि है समस्या समाधान विधि, इस विधि के प्रतिपादक थे आपके सुकरात। फोर्टीन चौदहवीं विधि है आपकी सूक्ष्म शिक्षण विधि, इस विधि का प्रतिपादन आपका रॉबर्ट बुश ने किया था। उसके बाद है आपका पंद्रह प्रादेशिक विधि, प्रादेशिक विधि का प्रतिपादक थे आपके हर्बर्ट शन। सोलहवीं सिक्स विधि के प्रतिपादक थे आपके इकाई, जो विधि है इकाई उपागम, इसके प्रतिपादक थे आपके एस सी मॉरिसन। सत्रहवीं विनेटिका विधि, विनेटिका विधि के प्रतिपादक आपके थे, इसका प्रतिपादन जो किया था वो किया था कार्लटन बॉशबर्न ने। उसके बाद है अट्ठारह ब्रेल विधि, ये जो पद्धति यूज की जाती है जो बच्चे देख नहीं सकते हैं आंखों से, उनसे उन बच्चों के लिए की जाती है ब्रेल पद्धति, तो इसके प्रतिपादक थे आपके लुई ब्रेल। उसके बाद है उन्नीसवीं प्रक्रिया विधि, तो प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक थे आपके कमेनियस। बीस है आपकी बेसिक शिक्षा पद्धति, इसके प्रतिपादक थे आपके महात्मा गांधी। 21 है आपकी आगमन विधि या फिर ज्ञान की स्थायी विधि, इसके प्रतिपादक थे आपके अरस्तु। इस विधि में पहले आपको उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उस जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी परिभाषा की ओर तब आगे बढ़ाया जाता है, तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे अरस्तु। अब अगली विधि आपके निगमन विधि, निगमन विधि आगमन विधि की अपोजिट होती है, इसमें पहले परिभाषा दी जाती है उसके बाद उदाहरण की तरफ जाया जाता है, तो निगमन विधि के प्रतिपादक थे प्लेटो। उसके बाद है आपकी 23 हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक हैं आपके हर्बर्ट। और उसके बाद है आपकी संवाद विधि, तो संवाद विधि के प्रतिपादक थे आपके, ये भी आपकी प्लेटो ने प्रतिपादित करी थी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो शिक्षण विधियाँ हैं मैंने सारी कवर कर ली हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स।